तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टाटा की कुछ ऐसी पिकअप ट्रक्स के बारे में जो कि आप लोगों को बाजार में देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप लोगों को गाड़ी खरीदने के समय ये समस्या ना रहे कि कौन सी गाड़ी खरीदे, किसका कितना प्राइस है, किसका कितना पेलोड कैपेसिटी है, सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं गियर बॉक्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर दोस्तों, सबसे पहले आता है टाटा एस जीप, जिसका कि इंजन कैपेसिटी है 611 सीसी का और पेलोड कैपेसिटी है 600 केजी का। टाटा एस जीप आपको दो मॉडल में देखने के लिए मिलता है, जीप और जीप एक्सेल। दूसरे नंबर पे आता है टाटा एस हाईडेक, जिसका कि इंजन कैपेसिटी है 702 सीसी का और पेलोड कैपेसिटी है 605 केजी का। तीसरे नंबर पे आता है सबका जाना माना टाटा एस गोल्ड, जिसको कि हम लोग छोटा हाथी के नाम से भी जानते हैं, जिसका इंजन कैपेसिटी है 702 सीसी का और पेलोड कैपेसिटी है 710 केजी का। चौथे नंबर पे आता है टाटा एस एक्सेल, जिसका इंजन कैपेसिटी है 702 सीसी का और पेलोड कैपेसिटी है 710 केजी का। पांच नंबर पे आता है टाटा एस मेगा, जिसका इंजन कैपेसिटी है 798 सीसी का और पेलोड कैपेसिटी है 1000 केजी का। टाटा एस मेगा दो मॉडल में आता है, जो कि है टाटा एस मेगा और टाटा एस मेगा एक्सेल। छः नंबर पे आता है टाटा सुपर एस मिंट, जिसका इंजन कैपेसिटी है 1.3 लीटर की और पेलोड कैपेसिटी है 1 टन का। सात नंबर पे है टाटा का न्यू लॉन्च किया गया टाटा इंट्रा V10, जिसका इंजन कैपेसिटी है 800 सीसी का और पेलोड कैपेसिटी है 1000 केजी का। आठ नंबर पे है टाटा इंट्रा V20, जिसमें आपको 1.4 लीटर का इंजन देखने के लिए मिलता है और पेलोड कैपेसिटी है 1100 केजी का। नौ नंबर पे आता है टाटा का सबसे पुराना पिकअप ट्रक्स में एक, जो कि है टाटा 207 EX, जिसमें आपको 3 लीटर का इंजन और 1000 केजी का पेलोड कैपेसिटी देखने के लिए मिलता है। तो 10 नंबर पे आता है टाटा योद्धा, जो कि आप लोग को कुल 5 मॉडल में देखने के लिए मिलता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। गाड़ी के इंजन के बारे में बात करें तो गाड़ी में आपको 3 लीटर का इंजन देखने के लिए मिलता है और पेलोड कैपेसिटी आप लोगों को 1000 केजी से शुरू करके 1500 केजी तक देखने के लिए मिलता है। ये था कुछ टाटा के पिकअप ट्रक्स जो कि आप लोगों को बाजार में देखने के लिए मिलता है। और अगर वीडियो में दिखाया गया हर गाड़ियों के बारे में फुल रिव्यू देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, उधर आप लोगों को हर गाड़ियों के बारे में फुल रिव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। तो बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।